फाइनली द रॉक्स डॉटर इन WWE। जी हाँ गाइज, द रॉक ने वैसे तो बहुत तहलका मचाया अपने रेसलिंग करियर के अंदर WWE में, बट फाइनली आपको पता है कि सिमोन जॉनसन जो कि रॉक की बेटी हैं वो अब WWE के अंदर आने वाली हैं। WWE ने सिमोन जॉनसन को उनकी 18 की एज में ही यानी कि फरवरी 2020 के टाइम पे ही साइन करके रख लिया था अपने पास, और अभी तक वो NXT में डेब्यूट नहीं करी हैं बिकॉज स्टिल वो ट्रेनिंग कर रही हैं अभी भी। और उनका रेसलिंग नेम फाइनली WWE ने रिवील कर दिया है जो कि होगा एवा रेन। अब देखते हैं वो रेसलिंग के अंदर कब आने वाली हैं और कैसा उनका करियर रहेगा। AJ Lee reveals what Vince McMahon said on his retirement day। जी हाँ गाइस, AJ Lee बहुत ही प्यारी हैं और उन्होंने बहुत ही तगड़ा रेसलिंग करियर दिया है वुमेन डिवीजन में WWE के, और उन्होंने बताया कि जब उनका रिटायरमेंट वाला टाइम आया था तब विंस मैकमैन ने उनको गले मिलते हुए कहा था कि द गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, यानी कि तुम जब चाहो तब WWE के अंदर आ सकती हो। भले उनके कैरेक्टर की वजह से उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था फैंस की तरफ से, बट स्टिल विंस की तरफ से द गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर हर। और जैसे कि आप लोग को पता है कि CM Punk की वाइफ है AJ Lee, तो वो कल आई थी AEW बैकस्टेज में जहाँ पे वो बहुत सारे स्टार के साथ मिली और ये कुछ फोटोज उन्होंने खिंचवाए हैं। वैसे इनका अचानक से बैकस्टेज वगैरह में आना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सच में रेसलिंग में वापस आने वाली हैं। फाइनली ब्रे वायट रिटर्न अगेन इन WWE। भले ही WWE ने ब्रे वायट को WWE से बाहर निकाल दिया था, बट फीड वाला कैरेक्टर इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया कि शायद अभी भी WWE डिमांड में रखी है उनको, और शायद साइन भी हो चुका है। शायद ये एक सरप्राइज है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर अपना नाम चेंज कर दिया है, विंडम से वापस उन्होंने वायट लिख दिया है और वहाँ पे 6 लगाया है, जिसको फैंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद 6 दिन बचे हैं हेल इन द सेल के लिए, तो वही उन्होंने 6 दिन लिखा हुआ है वैसे करके। और उन्होंने जो अपना फोटो लगाया हुआ है उसमें आप देख सकते हो उल्टा फीड दिख रहा है, जिसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। और उन्होंने अपने ट्विटर में ये भी लिखा है ट्वीट करके कि इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो भाई पूरी बातें घूम फिर के यही आ रही हैं कि शायद WWE के अंदर हेल इन द सेल में वो वापस आने वाले हैं।